लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स एंड टुडे लेक्चर हम इसमें आप डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे एमएनटी को लिवर डिसऑर्डर्स की कुछ फार्मूलाज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे कैलोरीज रिक्वायरमेंट। कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है आपकी नॉर्मल रेंज फ्रॉम 25 to 35 किलो कैल। कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है लिवर डिसऑर्डर में कैलोरीज रिक्वायरमेंट दैट नॉर्मली रेंज फ्रॉम 25 to 35 किलो कैल पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। कार्बोहाइड्रेट बड़ा अहम है कार्बोहाइड्रेट को समझना इन द स्टार्ट, क्योंकि लिवर डिसऑर्डर के अंदर आपको पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स की वो लिवर में ही हो रही है आपका मेटाबॉलिज्म। तो इन द लिवर डिसऑर्डर लिवर डिजीज में आपकी जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, ग्लूकोज यूज है यूटिलाइजेशन जब प्रोडक्शन नहीं हो रही इसका मतलब यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रही, तो दैट केस बॉडी विल प्रेफर अदर सोर्सेज फॉर एनर्जी, बॉडी विल प्रेफर लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स फॉर एनर्जी। बॉडी को जो है अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रही कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन ग्लूकोज प्रोडक्शन नहीं हो रही तो बॉडी कुछ और सोर्स लेगा, लिपिड को यूज करेगा साथ में अमाइनो एसिड्स भी यूज करेगा प्रोटीन को भी इस्तेमाल करेगा एनर्जी के सोर्स के तौर पे। सो इस कंडीशन में देखें इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट डिफाइन करना कि कितनी अमाउंट हमने लिवर डिसऑर्डर में देनी है बिकॉज लिवर मेटाबॉलिज्म हैज बीन टोटली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू लिवर डिसऑर्डर्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हैज बीन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है और यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक कम होगी, आप बॉडी प्रेफर करेगा लिपर्स को एनर्जी के तौर पे अमाइनो एसिड्स को एनर्जी के तौर पे। सबसे अहम पॉइंट जो यहाँ पे समझना है दैट इज का कि अल्ट्रेशन इन हार्मोन्स, आपके जो हार्मोन्स अल्ट्रेशन है ये बहुत जरूरी है, इंसुलिन ग्लूकागोन कोर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके जो फ्यूल के प्रेफरेंस पे कि बॉडी अब प्रेफर कर रहा है कि वो लिपर्स को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करे, बॉडी प्रेफर कर रहा है आपके कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड्स को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करे, उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि आपके हार्मोन्स की अल्ट्रेशन, दीज हार्मोन्स आर अल्ट्रेशन। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि हार्मोन्स अल्ट्रेशन क्या है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा। आप इंसुलिन जो है जैसे आप देख आप सुनो कि जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम होगी, ग्लूकोज की जब प्रोडक्शन कम हो रही है एज ए रिजल्ट क्या होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी देन आपकी जो इंसुलिन लेवल जब डाउन होगा कम होगा तो आपके दूसरे हार्मोन्स हैं उसका लेवल बढ़ जाएगा, जैसे कि ग्लूकागोन का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल, एपिनेफ्रिन का लेवल, इनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपका, एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा इसके साथ जो है आपको ग्लूकागोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज ग्लूकागोन है मेनली। तो जब इनका लेवल इंक्रीज होगा दीज ये जो लेवल ये जो हार्मोन है दीज आर द कैटाबॉलिक हार्मोन, इंसुलिन था एनाबॉलिक। ठीक है, ये हार्मोन है दीज आर द कैटाबॉलिक हार्मोन। जब इनका लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में लाइपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी फैट को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। सो मेन जो है आपका लीवर डिसऑर्डर में जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होगी, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगी, बॉडी यूज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी और बॉडी आपका फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और ये जो है दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन ये जो जो फ्यूल प्रेफरेंस है दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन लेवल, क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है, ग्लूकागोन कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपका लाइपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप इस पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि हार्मोन का क्या रोल है, इंसुलिन का और जो ग्लूकागोन कोर्टिसोल एपिनेफ्रिन किस तरह आपकी मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में तो किस तरह अल्टर कर रहे हैं, मैंने वो डिटेल में बताया हुआ है आपके जो कीटोजेनिक डाइट कम्प्लीट कोर्स है उसके स्टार्ट में पूरा मेटाबॉलिज्म बड़े एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उधर से अगर किसी को समझना है डिटेल में आप जाएं वहां से आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इज लिपर्स। अब लिपर्स हमने बात की कि लाइपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लिपर्स ब्रेकडाउन बढ़ गई है, तो इसका मतलब यही होगा, इससे क्या होगा कि आपका जो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल, एसीटोन बॉडीज का लेवल है, इन सब का लेवल बढ़ जाएगा। आपका जो फ्यूल प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया ना, और बॉडी जो है दैट इज यूजिंग लिपर्स एज एन एनर्जी सोर्स, सो लाइपोलाइसिस जो है इंक्रीज हो रही है इन दिस केम कंडीशन। तो आपकी जो आपकी प्रीवियस एडिशन था क्रॉस का, उसके अंदर ये था कि जो आपकी टोटल लिपर्स का लिपर्स से एनर्जी जो होनी चाहिए फ्रॉम 25 to 40% तक। नाउ अभी जो करंट एडिशन आया है उसके अंदर चेंज, नाउ इट्स सेड दैट कि अगर आप 30% जो है एनर्जी लें फैट से, कैलोरीज लें अपनी लिवर डिसऑर्डर्स में, दैट विल बी सफिशेंट। आपको लिपर से कितनी एनर्जी लेनी, 30% तक आपको कैलोरीज लिपर से लेनी है। प्रोटीन जो है हमने अभी बात की, आपके लिपर्स की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोटीन की यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगी। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ द बॉडी वेट ले रहे हैं तो ये आपके नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन रखेगा। और एक और स्टडी है उसके मुताबिक जो है अगर आप जो है देयर इज नॉट कंडीशन इज नॉट अनकम्प्लिकेटेड हेपेटाइटिस नहीं है, अगर जस्ट इसके अंदर इंसेफलोपैथी वाली कंडीशन नहीं है, अभी सेवेरिटी ज़्यादा नहीं है लिवर डिसऑर्डर में, तो आप 0.8 to 1 ग्राम पर केजी अगर लें तो इससे आपका नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो अचीव कर लेंगे। यहाँ पे एक और स्टडी है कि वो कह रही है कि अगर आपने नाइट्रोजन बैलेंस को प्रमोट करना है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ जाना है, तो आपको अपनी प्रोटीन इनटेक और बढ़ाना पड़ेगी। आपको 1.2 to 1.3 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट तक आपको प्रोटीन इंक्रीज करना पड़ेगी। और अगर इसके साथ और कंडीशंस भी हैं, सिरोसिस भी है, साथ में आपको सेप्सिस भी है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी है, सीवियर एसिटिस की कंडीशन भी है, अगर ये सारी कंडीशन हैं तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट तक। तो हमने पहले ये क्या डिस्कस किया है कि अगर आपको नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन रखना है तो आपको प्रोटीन कितना लेनी है, 0.8 to 1 ग्राम तक, दैट्स इट। 0.8 लें, 0.8 to 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ जाना है तो आपको 1.2 to 1.3 ग्राम तक जाएंगे। अगर आपके साथ में कंडीशन एसाइटिस की कंडीशन आ गई है, बाकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन की कंडीशन आ चुकी है, कंडीशन और सवेर हो गई है आपकी, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी और बढ़ जाएगी। तो आपके जो है कंडीशन जो है 1.5 तक चली जाएगी। विटामिन मिनरल सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि विटामिन मिनरल्स डेफिशिएंसी जो है इट्स वेरी कॉमन इन लिवर डिसऑर्डर्स। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस करना है कि विटामिन मिनरल जो सप्लीमेंटेशन है ये जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर होती है उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है, यू नो वेल अबाउट इट। डेफिशिएंसी अगर पाइरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B6, थायमिन की डेफिशिएंसी हो रही है, B12 की डेफिशिएंसी, दिस आर ऑल has the role in your neuronal health. So, इनकी deficiency की वजह से neuropathy हो सकती है। Vitamin B, D की deficiency है तो hepatic encephalopathy या फिर osteopenia की condition हो सकती है, आप इनके बारे में भी discuss कर चुके हैं। You have discussed these points detail in your dietetics subject. और इसके साथ आप देखें अगर इन द लिवर डिसऑर्डर के अंदर जो है नॉर्मली आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का जो सेंसेस है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ऑस्टियोब्लास्ट जो आपके कोलेजन की सेंसेस है, ऑस्टियोब्लास्ट की है, उसका लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी या ऑस्टियोपेनिया की कंडीशन आ सकती हैं लिवर डिसऑर्डर्स के अंदर। आपके फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होगी इसके अंदर, तो आप इन सारी चीज़ों की जो है सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में आपको ये चीज़ें देनी होंगी। विटामिन की जो है नॉर्मली देना चाहिए फॉर 3 डे, नॉर्मली जो है विटामिन की सप्लीमेंटेशन दी जाती है इंट्रावीनस के तौर पे, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर,
ताकि आपके जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स है उसकी वजह से, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स ही प्रोलॉन्ग हो जाता है आपके जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, दैट इज द इट्स अ टेस्ट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट इज यूजली किया जाता है चेक करने के लिए आपके ब्लड क्लॉट कितनी देर में जो है वो क्लॉट हो रहा है। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए ये टाइम जो है बढ़ जाता है। तो नॉर्मली लिवर डिसऑर्डर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये जो है इसके जो है सप्लीमेंटेशन विटामिन के की भी सप्लीमेंटेशन दी जाती है। इसके साथ वर्मिक इंसेफलोपैथी भी हो सकती है आपके, हमने अभी बी विटामिन की बात की, स्पेशली पैराडॉक्सन है, अगर आपके B12 है, नियासिन है, फोलेट है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से वर्मिक इंसेफलोपैथी इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इसकी वजह से कंडीशंस लाइक आपका अटैक्सियल कंडीशन, कंफ्यूजन कंडीशन, एक और दैट इज ऑप्थल, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, दैट इज द ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया या ऑप्थेल्मोप्रेसिस, दिस अ पॉइंट जिसके अंदर आपके जो मसल्स हैं अराउंड योर आई, दीज आर द आपके मसल्स हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आई जो है वो आपके इट कैन लीड टू फिजिकल ब्लाइंडनेस, कि आपको जो है आप यू आर अनएबल टू ओपन योर आई। तो ये वाली कंडीशन जो है इसके अंदर वर्निक इंसेफलोपैथी में हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगर बी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। सीरम आपके जो कॉपर लेवल है वो एलिवेट हो सकता है, अगर आप सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं कॉपर और मैंगनीज की, तो उसकी वजह से इनका लेवल, इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। द रीजन इज इट्स ड्यू टू आपके जो लीवर कोलेस्ट्रेटिक लीवर डिजीज की वजह से आपको जो है ये कंडीशन हो सकती है, बिकॉज आपके जो बाइल फ्लो है, आपके जो लीवर से बाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो है फ्लो, बाइल दैट हैज बीन ब्लॉक्ड। तो आपके जो ये जो कॉपर और मैंगनीज है, इसकी एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू हो रही थी, जिसकी वजह से अगर आप इसकी सप्लीमेंटेशन देंगे तो इसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो आपको सब सप्लीमेंटेशन कॉपर और मैंगनीज की सप्लीमेंटेशन आपने नहीं करनी लीवर डिसऑर्डर्स। ओके, इसके अलावा बाकी और भी जो है मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपका अगर लिवर डिसऑर्डर की कंडीशन है, इन दैट केस यू हैव टू गिव योर मल्टी विटामिन मिनरल्स एंड आपको जो विटामिन्स जो हैं, मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स आपको देने होंगे। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं काइंडली चैट बॉक्स में पूछते जाइए क्वेश्चंस अपने। कुछ हम हर्ब्स भी दे सकते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स कैन आल्सो बी गिवन इन योर लिवर डिसऑर्डर्स, लाइक मिल्क थिसल इज कॉमनली यूज्ड हर्ब सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट जो है, एंड इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है दैट इज सिलीमायरिन। सिलीमायरिन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इट सेड दैट के ये आपकी जो फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन है उसको रोकता है, और रिसर्च मुख्य रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है, और दे कह रहे हैं इट्स वेरी हेल्पफुल इन वायरल हेपेटाइटिस, इट्स वेरी हेल्पफुल इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सो इन लिवर डिसऑर्डर्स इट सेड दैट के वी कैन रिकमेंड मिल्क थिसल इन डिफरेंट लिवर डिसऑर्डर्स। सो मिल्क थिसल के साथ जो दूसरा हर्बल सप्लीमेंट है दैट इज एस एडिनोसिल एडिनोसाइल एल्मिथियोनिन। सो ये जो है इसके ऊपर जो है अभी तक थ्योरेटिकल प्रॉमिस हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर अभी तक इतनी जो है रिसर्च अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे थ्योरेटिकल प्रॉमिस यही है कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट लिवर डिसऑर्डर्स, इसके लिए ये अफेक्टिव है। बट इतना ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च जो है, इसके ऊपर एविडेंस जो है वो अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो ये दो मिल्क थिसल है और जो है सेम है, ये कैन बी यूज्ड एज एन हर्बल सप्लीमेंट इन लिवर डिसऑर्डर्स। हेपेटिक इंसेफलोपैथी, नो हेपेटिक इंसेफलोपैथी एंड दैट इज एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर डिस्टरबेंस एंड इन दैट कैन आल्सो लीड टू अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। तो इसके अंदर जो मेन एक्चुअली मेन जो टॉक्सन है जो कि इसको कॉज कर रहा है हेपेटिक इंसेफलोपैथी को, वो है अमोनिया, क्योंकि आपका लीवर जो है, लीवर इज अनएबल टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया इनटू यूरिया, एज अ रिजल्ट अमोनिया कैन अकुमुलेट इन योर बॉडी एंड इट्स अ सेरेब्रल टॉक्सन फॉर योर, इट्स एक्चुअली टॉक्सन फॉर योर ब्रेन, जिसकी वजह से ये न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन जो है वो आ सकती है। तो अगर
इसका मतलब ये है कि हेपेटिक इंसेफलोपैथी की कंडीशन है, तो व्हाट वी शुड डू, हमें अमोनिया अपनी डाइट से अमोनिया को निकालना है किसी तरह, तो हम इस चीज को हम कवर अप कर सकते हैं हेपेटिक इंसेफलोपैथी की कंडीशन को। अब इस अमोनिया को हमें निकालना कि अमोनिया की वजह से हमारे लिवर इज अनेबल टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया ज्यादा हो रहा है तो अमोनिया की वजह से हेपेटिक इंसेफलोपैथी कंडीशन ज्यादा सिवियर हो रही है, हमने क्या करना है कि ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर अमोनिया कम हो। जैसे कि अगर आप वेजिटेबल प्रोटीन देंगे, तो यूजुअल वेजिटेबल प्रोटीन एज आपको ये याद होगा जब हमने डिस्कस किया था, यही पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे जब हम इन द स्टार्ट जब हम रिव्यू कर रहे थे सारे जितने भी फार्मूलाज हैं उसको, कि हमने कहा था कि ऐसी डाइट देनी है दैट शुड बी रिच इन योर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, आपके जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है वो उसके अंदर कम हो। तो अब जो है अगर जितने भी आपके प्लांट प्रोटीन्स हैं दैट आर एक्चुअली उसके अंदर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपका जो अमोनिया है अमोनियोजेनिक अमीनो एसिड्स कम होते हैं। तो आप जो है वेजिटेबल प्रोटीन जो है इसके अंदर रिकमेंड करेंगे इन द केस ऑफ हेपेटिक इंसेफलोपैथी। इसके साथ जो है वेजिटेबल को जो हायर फाइबर कंटेंट है, इट्स सेड दैट के दैट हायर फाइबर कंटेंट, हाई फाइबर कंटेंट जो है एज अ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एक्सक्रीशन ऑफ योर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, स्पेशली है आपका जो अमोनिया है इसके एक्सक्रीशन में फ्रॉम द योर जीआईटी, इसके एक्सक्रीशन में बड़ा अहम रोल है इसके जो फाइबर आपके वेजिटेबल में मिलता है। तो आपको वेजिटेबल्स अगर आप यूज कर रहे हैं एज अ प्रोटीन सोर्स, मीन अगर प्लांट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन के तौर पर, इसके दो फायदे हो रहे हैं, एक तो उसके अंदर अमोनिया कम है, दूसरा उसके अंदर वो उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है वो आपके जीआईटी से उसकी एक्सक्रीशन करवा रहा है अमोनिया की, तो इसके दो फायदे हो गए। तो आप इसके लिए सेट दैट कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये हेपेटिक इंसेफलोपैथी के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, एक और रिसर्च के मुताबिक अगर आप प्रोबायोटिक्स यूज कर रहे हैं प्रीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, दी कैन बी यूज्ड इन दिस बोथ दिस कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक इंसेफलोपैथी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है, यू कैन रिव्यू दिस रिसर्च। इसके मुताबिक जब आप जो है दिस फाइबर जब फर्मेंट इसकी फर्मेंटेशन होती है योर जी ट्रैक, इट कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ योर लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड and as well as production of hydrogen gas. ये जो hydrogen gas है it causes intestinal hurry. ये क्या कर रहे हैं आपके intestinal hurry, इसकी वजह से intestinal motility बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा दस आपके इसकी वजह से आपके जो है आपके जो bacteria हैं जो कि colonic bacteria हैं that is the urease bacteria है urease positive bacteria और इसके साथ जो है आपका deaminating bacteria है, ये दोनों बैक्टीरिया जो कि अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं इन दोनों बैक्टीरिया की जो है दीज आर एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, आपके इसकी जो इंटेस्टाइन से रिमूव हो जाते हैं, इसकी वजह से अमोनिया जो है प्रोड्यूस नहीं, अमोनिया की प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। दोबारा सुन लें कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं अगर आप प्लांट सोर्सेज से अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे दो चीजें हो रही हैं। द नंबर वन उससे क्या हो रहा है आपका द फर्स्ट पॉइंट इज कि उसकी वजह से दैट इज एक्चुअली रिच इन ब्रांच चेन अमीनो एसिड, उससे अमोनिया प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, तो अमोनिया जो है एक्चुअली इट्स अ टॉक्सिक फॉर योर ब्रेन। तो सेकंड पॉइंट इज कि इसकी वजह से जब इसकी फर्मेंटेशन होती है इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इनहेंस कर रहा है, तो जिसकी वजह से ऐसे बैक्टीरिया जो कि जैसे कि मिसाल डीएमिनेटिंग बैक्टीरिया हैं, तो डीएमिनेटिंग बैक्टीरिया जो है या आपके जो अमाइनो ग्रुप है वहाँ आपके जो अमाइनो एसिड है वहाँ से ये अमाइनो ग्रुप को निकाल रहे हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अमोनिया की प्रोडक्शन और बढ़ रही है कि उन बैक्टीरिया को ही वहाँ से निकाल रहा है, तो उन बैक्टीरिया की जो है रिमूवल जो है वो आपके जीआई ट्रैक से वो जल्दी से उसको रिमूव करवा रहा है, तो जिसकी वजह से अमोनिया की प्रोडक्शन जो है अमोनिया की चेंज जो है वो और कम। ठीक है, दीज आर द टू पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट यू मस्ट यूज इन द हेपेटिक इंसेफलोपैथी प्रोटीन सोर्स शुड बी प्लांट सोर्स, दैट शुड बी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स।
ओके ठीक है। यूरिएज, हमने एक और बात की यूरिएज बैक्टीरिया की, दैट इज जो कि आपका जो है यूरिया को आपको हाइड्रोलाइज कर, यूरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है यूरिया की अमोनिया। तो इन दोनों बैक्टीरिया डी अमाइनेटिन बैक्टीरिया जो कि अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन कर रहा है, अमाइनो एसिड से अमोनिया को अलग कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है और अमोनिया की प्रोडक्शन और बढ़ रही है। यूरिएज बैक्टीरिया ये जो है आपका ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिया की अमोनिया में ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसके दोनों बैक्टीरिया की रिमूवल जो है वो करवा देता है जल्दी से, हर क्योंकि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाने की वजह से इनकी भी रिमूवल जो है वो जल्दी हो जाती है आपकी जीआई ट्रैक से, जिसकी वजह से इसका लेवल जो है वो आपका अमोनिया का लेवल जो है वो कम हो जाता है आपके। ये दो पॉइंट्स हैं ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स जो है आपके इंसेफलोपैथी के अंदर जो है, फैटिक इंसेफलोपैथी की कंडीशन के अंदर ये अफेक्टिव साबित हो सकती है इन सब पॉइंट्स के। इस कंडीशन में आप जाए अगर कोई पेशेंट है फैटिक इंसेफलोपैथी का, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे और फिर आप ऐसा ऐसा इसको इनहेंस करेंगे। तो यू कैन रीड दिस आर्टिकल रिगार्डिंग द प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन फैटिक इंसेफलोपैथी, उसके अंदर बताया हुआ है कंप्लीट में कि आप किस तरह स्टार्टर लेंगे प्रोटीन के बारे में, जिस तरह आपने प्रोटीन जो है फ्रॉम यू स्टार्ट फ्रॉम 0.5 एंड देन यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ठीक है। दीज आर द सोर्सेस दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटीन सोर्स इन द केस ऑफ फैटिक इंसेफलोपैथी, दीज आर ऑल योर बीइंग लेग्यूम्स ऑन द प्लांट सोर्सेस, यू कैन यूज ऑल द प्लांट सोर्सेस as in the case of hepatic encephalopathy condition. Fluid requirement as a condition of edema, ascites is a condition hai, you will restrict your fluid requirement up to 1.5 liter per day, 1500 ml tak aap protein requirement denge this condition. ओके फार्मूलाज की अगर हम बात करें, ये फार्मूलाज हैं, इसको हमने पहले डिस्कस किया, जैसे कि न्यूट्री है फार्मूला है, सप्लीना है, you will use these formulas in the case of hepatic encephalopathy, in the case of liver disorders hum ye formulas istemal karenge. If agar jo hai patient hai liver disorder ka and we have to in the start jo hai agar refeeding hum kar rahe hain kisi patient ki, to hum calories per ek thode se start karenge, we will start from 20 15 to 20 calories per kg in the start theek hai. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मेंटेनेंस की तरफ आएंगे, 25 टू 30 किलो कैलोरीज पर के जी पे लेते जाएंगे और फिर हम जो है एनाबोलिज्म की कंडीशन में आएंगे, तो जो है रिक्वायरमेंट जो है वो इनहेंस कर देंगे, सो दैट इज 30 टू 35 किलो कैलोरीज। तो स्टार्ट में कैलोरीज आप रीफीडिंग, अगर आप जो है रीफीडिंग रिस्क है कंडीशन है, इसके वजह से रीफीडिंग सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है अगर किसी पेशेंट के अंदर, तो आप जो है कैलोरी जो है स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेरी लो अमाउंट जो कि आपके 15 टू 20 कैलोरी, ताकि रीफीडिंग सिंड्रोम की कंडीशन ना आए। उसके बाद आप कैलोरीज और इंक्रीज करते हैं, मेंटेनेंस की तरफ आते हैं, देन आप एनाबोलिज्म की तरफ मूव करते हैं। ओके केस स्टडी है ये आपकी, आपने एक ब्लेंडराइज डाइट बनानी है, आपने एक फार्मूला सेलेक्ट करना है कौन सा फार्मूला आप देंगे इस कंडीशन के अंदर, जो हमने ऊपर फार्मूला डिस्कस किए हैं आपने उधर से फार्मूला आपने देखने हैं, हमें कौन सा फार्मूला पेशेंट को इस कंडीशन में देंगे।